तो मैं हाँ सुखजीत कौर ते तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ अपने चैनल घर दा वैद ते। दोस्तों की तुसी भी प्याज नहीं खांदे हो? अगर नहीं खांदे हो तो अज ते बाद जरूर खाओगे। प्याज कटदे वक्त तुहाड़ियां अखां विच हंझू तो जरूर आउंदे हन, लेकिन इस नूं खाण दे भी फायदे बहुत हन। चाहे कच्चा प्याज होवे जां पक्या होवे, प्याज दोनों ही फॉर्म विच बहुत ही वधिया हुंदा है, पर कच्चा प्याज खाण दे ज़्यादा फायदे हन। सिर्फ कच्चा प्याज खाने नाल तुसीं कीड़ियां कीड़ियां बीमारियों तो बच सकते हो, वो अज मैं तुहानूं इस वीडियो विच दसन वाली हाँ। इसलिए इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो, और अगर ये वीडियो तुहाडे मतलब का है तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाओ। तो चलो शुरू करते हाँ। डाइजेशन विच मददगार, दोस्तों कच्चा प्याज डाइजेशन विच बहुत मदद करता है, क्योंकि कच्चे प्याज विच फाइबर की मात्रा ज़्यादा हुण पाई जाती है, जिस नाल तुहाडे पेट के अंदर चिपकिया होया खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चे प्याज नूं खाण नाल पेट की सफाई हो जाती है, जिस नाल कब्ज़ दूर हुंदा है। जो लोग सुबह एक बार विच फ्रैश नहीं हो पाते, उन्हां नूं रात नूं खाने दे नाल कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए है। यह नुस्खा कब्ज़ नूं दूर करने लिए बहुत ही फायदेमंद है, ब्लीडिंग की समस्या को दूर करने में मददगार। दोस्तों अक्सर गर्मियों में लोगों को गर्म हवा यानी कि लू का सामना करना पड़ता है, जिस यही कारण बन जाता है कि नाक विचों खून आता, जिसनों आम भाषा में असी नसीर फुटना भी कहते हाँ। गर्मियों में तुहानू ये ध्यान रखना चाहिए है कि तुसी हर दिन चंगी तरह कच्चा प्याज खाओ, जिस नाल ना तो तुहानू लू लगेगी ते ना ही तुहाडी नसीर फुटेगी। यही नहीं, अगर तुहाडे दंदा विचों भी खून निकलता है तो तुसी कच्चे प्याज नूं गर्म करके अपने दंदा के नीचे 3-4 मिनट दबा के रखो, इस नाल तुहानू जल्दी फर्क दिखेगा। गले की खराश दूर करने लई मददगार, दोस्तों अगर तुसी भी उन्होंने लोगों विचों हो जिन्हों का गला अक्सर खराब रहिंदा है, जां फिर सर्दी खांसी जुकाम तो तुसी परेशान रहिंदे हो, तो जान लो ये आसान जिहा नुस्खा। तुसी कच्चे प्याज का रस कढ लो, इस रस नूं तुसी शहद विच मिला के दिन विच 2 वार लो अते लगातार 1 हफ्ते तक लो। इस नाल ना तो तुहाडे गले विच खराश होएगी, साथ ही सर्दी जुकाम खांसी तो भी छुटकारा मिलेगा। कैंसर सैल्स नूं रोके, दोस्तों कच्चे प्याज विच सल्फर की मात्रा काफ़ी अधिक हुंदी है, यह कैंसर सैल्स नूं वधन नहीं दिंदा। कैंसर पेशेंट नूं प्याज खाण नाल उसनूं उसदी ट्रीटमेंट विच बहुत ही मदद मिलती है। अगर तुसी शुरू तो ही कच्चा प्याज खांदे आए हो तो पेट ब्रेस्ट फेफड़ियां दा कैंसर दा खतरा भी घट रहिंदा है। यूरिन नाल जुड़ियां बीमारियां भी कच्चा प्याज खाण नाल ठीक हो जांदियां हन। अनीमिया तो बचाए, कच्चा प्याज तुहानू अनीमिया तो भी बचा सकता है। प्याज नूं कटदे समय अखां विच हंझू आउण दा कारण हुंदा है कि उस विच पाया जाण वाला सल्फर, जो नक दे जरिए शरीर दे अंदर एंटर हो जांदा है। सल्फर विच एक तेल पाया जाता है जो अनीमिया तो तुहाडे शरीर नूं बचाउण विच बहुत ही मदद करता है, अते अगर तुसी अनीमिया तो पीड़ित हो गए हो तो उसनूं ठीक करन लई इह बहुत मदद करता है। जदों तुसी प्याज नूं खाने विच पका के खांदे हो तो इस विचों सल्फर खत्म हो जाता है, इसलिए सल्फर की प्राप्ति लई तुसी कच्चा प्याज जरूर ही खाओ। कोलेस्ट्रोल घट करता है, दोस्तों अगर तुहाडा कोलेस्ट्रोल हमेशा ही वधिया रहिंदा है अते तुसी इसनूं घट करन लई असफल रहिंदे हो तो तुहानूं जरूरी है कच्चे प्याज दी। कच्चे प्याज विच अनीमो एसिड अते मिथाइल एसिड पाया जांदा है, ये सारे तत् खराब कोलेस्ट्रोल नूं घट करदा है। तो कच्चे प्याज खाण नाल तुसी अपने कोलेस्ट्रोल वधन की परेशानी तो छुटकारा पा सकोगे। दिल दे लई फायदेमंद, दोस्तों कच्चा प्याज तुहाडे दिल दे लई बहुत ही फायदेमंद हुंदा है। हाई ब्लड प्रैशर कंट्रोल करन विच कच्चा प्याज बहुत ही मदद करता है, ये बंद खून दियां धमनियां नूं खोलन विच मदद करता है, जिस नाल तुहानूं दिल दियां बीमारियां होण दा खतरा काफ़ी घट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि प्याज ना खाण वालियां दी तुलना विच प्याज खाण वालियां दी सेहत ज़्यादा स्वस्थ रहिंदी है। साथ ही तुहानूं ये भी दस देवां कि अगर तुसी डायबिटीज़ दे शिकार हो तो कच्चा प्याज खाण नाल तुहाडे शरीर दे इंसुलिन पैदा हुंदे हन, इसलिए कच्चा प्याज डायबिटीज़ के रोगियों लई भी काफ़ी वधिया मन्या जांदा है। एक गल होर, कच्चा प्याज सब तो ज़्यादा फायदेमंद मर्दां दे लई हुंदा है, कच्चा प्याज खाना उन्होंने सैक्स पावर इनक्रीज होंगी है, जिस नाल वो अपना क्रैस जीवन बहुत ही वधिया जी सकते हैं। कुछ लोग कच्चे प्याज इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि उन्होंने उसका टेस्ट पसंद नहीं होंगे, तो उन्होंने भी ये आसान जिहा टिप्स है कि तुसी कच्चे प्याज की चटनी बना के भी खा सकते हो, जिस विच तेल अते मसाले बहुत ही घट होण, तां तुसी जिवें भी खाओ कच्चे प्याज जरूर ही खाओ।
ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।